आपकी तस्वीर देखी तो ख्याल आया कि आपके पास मेरी कोई तस्वीर नहीं होगी, इसलिए ईमेल कर रही हूँ। आपको तो पता है ना कि मैंने कभी अपनी माँ की तस्वीर नहीं देखी, इस डर से कि कभी अगर दिल में यह एहसास जोर पकड़ गया कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है तो शायद मैं खुश ना रह सकूं। इसको आप हकीकत से नजरें चुराना भी कह सकती हैं, लेकिन मैंने इस हकीकत को किसी और नजरिए से देखा है। मैंने उनके ना होने के एहसास को आपके अंदर, आपकी गोद में, दादों की हथेलियों में और रानिया की आंखों में जिंदा रखा। उनकी तस्वीर के रंग सारे रिश्तों में बिखेर कर समेटती रहती है, तो सच पूछे उनकी कमी का एहसास कुछ कम ही रहा। दिल चाहता है एक कहानी लिखूं उन सब लड़कियों के लिए जो अपनी माँ के बाद उनकी तस्वीर से चिमट कर उनका एहसास तलाश करती रहती है और अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए रिश्तों के एहसास से महरूम रह जाती है। मैं अपनी कहानी में उनसे कहूंगी, मैंने भी थोड़ी थोड़ी करके ही बहुत सारी ममता समेटी, कितनी लकी हूं, लेकिन पापा के मामले में अनलकी ही रही। उनके होते हुए भी कुछ प्राइवेट चल रहा था? नहीं पापा, सिस्टर कैथरीन को कुछ तस्वीरें ईमेल कर रही थी। मैंने इस औरत को देखा नहीं जिसे तुम इतनी दूर में ले जाती हो। बस उनकी नॉर्मल सी तस्वीरें हैं मेरे पास, उनसे उनके दिल का क्या पता चलेगा। बहुत मिस करोगी तुम उन्हें जब यहाँ से चली जाओगी। ऑफ कोर्स पापा। और किस किस को मिस करोगी? रानिया, जिब्रान, दादो, अंजू और आपको भी। शायद तुम मुझे मिस नहीं करोगी।